वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अभी भी मनाली में। आज का व्यू तो मनाली का देखने लायक था। अगर मैंने बस ड्रोन शॉट्स की बात करूँ तो देवर मार्वलेस। मेरे को लगा आज मैंने ड्रोन खो ही दिया। मैंने पहली बार 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर से ज़्यादा ऑल्टीट्यूड की हाइट चली गई थी। आई एम नॉट श्योर उसको कितने ऑल्टीट्यूड में काउंट किया जाता, बट आधा किलोमीटर से ऊपर मेरा ड्रोन चला गया था। सो पता है मनाली बहुत डेवलप हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, ऐसी कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं थी। ये ना विलेज है बिल्कुल मेरे सामने। जब मैं यहाँ LMH के साथ लास्ट टाइम स्टे किया था ना, ऐसी कोई मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं थी। मतलब इन्होंने इतना डेवलप हो चुका है। मैं इस वक्त मेन मनाली से बहुत ऊपर हूँ। मतलब वर्क प्लस स्टेकेशन इन मनाली, यू हर्ड मी राइट। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग स्टे एंड वर्क फ्रॉम द माउंटेन्स, देन दिस इज द प्लेस फॉर यू। Just not with the amazing view, but also with a great internet speed, 24/7, with the availability of homemade meal, and even for a walk, you can take the trail of 4 km towards the old Manali, which is really easy to cover up. A place with in-house parking facility, so plan your next staycation with Atrangi Stay. इट इज़ टाइम टू से goodbye to this place, क्योंकि हमें आगे जाना है, आगे बहुत कुछ कवर करना है। आज हम जा रहे हैं कसोल की तरफ। सो गाइस चेक करो, यहाँ ऐसा कुछ भी होने लग गया है। हेलो, आज रमन ने शूज़ दूसरे पहने हैं। आज रमन गिरने की सिराहत में पूरा है। मैंने स्नो बूट्स पहने हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा कीचड़ है और स्नो हो रखा है एंड यहाँ पे जाम लग चुका है गाड़ी का। जैसे कि आज संडे है और मैं हूँ इस वक्त ओल्ड मनाली में, क्योंकि हमने अपने होटल को टाटा बाय बाय कर दिया है और सुबह हमारा फ्लाई डाइनिंग था जो हम मिस कर चुके हैं। फिलहाल फ्लाई डाइनिंग हम मिस कर चुके हैं। वाह, क्योंकि कितना अच्छा लग रहा है। तो इस वक्त हम नाश्ता करेंगे। 1:30 बजे, माई गॉड रमन, 1:30 बज रहे हैं। बस तुम फिसलना मत। सो हम जा रहे हैं कैफे एवरग्रीन और हम लेंगे रम बॉल्स। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं लेजी डॉग कैफे। लेजी डॉग कैफे का काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया और सबसे बेस्ट जो सिटिंग एरिया वो इस तरफ है। एंड हम पी रहे हैं इस वक्त हॉट कॉफीज एंड और क्या ही बोलूँ यार, मेरे को तो कभी कभी तो वर्डिंग्स ही नहीं होते व्लॉग्स में बोलने के लिए। इट्स अ हॉट कॉफी विद चॉकलेट यार। हाँ, इट्स अ हॉट कॉफी मिक्स विद चॉकलेट। बेसिकली हम 1:30 यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि हमारा फ्लाई डाइनिंग मिस हो चुका है, अगर आपको ये रिवर का नाम पता तो प्लीज़ मुझे बताओ ये कौन सी रिवर है फटाफट से, जो बिल्कुल मनाली में फ्लो कर रही है। लास्ट टाइम पता मैंने यहाँ ये तनिष्क का स्टे है, मैंने इसमें स्टे किया था, द दीप हिल विविध। फिलहाल अगर आप अभी तक मनाली नहीं आया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सो वैसे हमने ऑर्डर किए हैं जैसे कि एप्पल सैंडविचेस काइंड ऑफ, एंड इसके अंदर है एल्पिनोज और ये है सैलेड विद ली, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेटस आई गेस लेटस लीव्स, और ये है मशरूम्स। इसके साथ शायद मैंने सेब अलग से दिया है थोड़ा सा यू नो रोस्ट करके, एंड दिस इज द केचप। लेट्स जस्ट ट्राई इट एंड सी ये कैसा है। मुझे जलपिनो खाना था। सो हॉट चॉकलेट इज 1,300 जो कि वर्थ नहीं करती थी। ओल्ड मनाली से कुछ 38 मिनट्स दूर और 23 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है नागर फोर्ट। तो हम अब जा रहे हैं नागर फोर्ट की तरफ जहाँ पे शूटिंग हुई है। तुम्हें पता किस चीज़ शूटिंग हुई है वहाँ पे? नागर फोर्ट में। आपने वो गाना सुना है? हाँ, है कोई तो बचा जो जीने का मजा यू आने लगा। एग्जैक्टली जब इवेंट की शूटिंग हुई है वहाँ पे। सो हम पहुंच गए नागर कैस्टल जो बनी है 1460 AD में, और इसकी एंट्री चार्ज है कुछ 50 rupees और विजिटिंग आवर्स है 9 AM to 6 AM, और हमने टिकट्स ले लिया। अब हम अंडर एंटर करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी ये इस कैस्टल में क्या क्या है। सो इट्स अ यू नो ह्यूज थिंग, इट्स बिल्ड इन 1400 AD एंड हैंडेड ओवर इन 19th century टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो गाइस जितने यहाँ पे आपको कैसल के अंदर डोर्स दिख रहे हैं सारे स्टे हैं। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हो तो हिमाचल प्रदेश की लोकल वेबसाइट में जा सकते हो, वहाँ से आपको ये स्टे 1000 per night मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इनका अपना एक किचन है, रेस्टोरेंट है, किचन है,
सो यू कैन हैव फूड हियर। और अगर हम आउटर सिटिंग एरिया की बात करें तो दे हैव द आउटर सिटिंग एरिया एज वेल। वही करूँगा, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू आई से। सो गाइस हम चल चुके हैं कसोल की तरफ, जिसका रास्ता अराउंड मनाली से पूरे 2 घंटे का है और नागर से हमें कुछ आधा घंटा कम पड़ा क्योंकि हम पहले ही आधे घंटे का रास्ता क्रॉस कर चुके थे एंड हम रहने वाले हैं। फाइनली रीचिंग चलो कसोल, और 1 साल बाद अराउंड मैं यहाँ वापस आई हूँ। दिस लुक्स नाइस एक्चुअली। चलो कसोल हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रहा है। खैर सेकेंड करते हैं एंड लेट सी द रूम and then start with the night. So I just checked in the Chalo Kasol property and this is my room. Ye dormitory hai actually. Hum 4 bandon ka plan tha, so this is 1 2 3 4, magar agar aap zyada log aa rahe hain, maine saman phaila chuki hu, so they have the 6 dormitory matlab places to sleep. This is sofa cum bed, this is the bed and they have the 4 places to keep the material. Wow, आई एम एस से दे हैव इम्प्रूव्ड सो मच। मैं इनका प्रॉपर्टी को वैसे ही बहुत प्यार करती हूँ। प्लस रूम में वाटर थर्मल्स अवेलेबल है एंड अब तो मिरर भी है, पिछली बार में मिरर अवेलेबल नहीं था। घूम लो तो मेरे रूम में आगे पीछे, वैसे मैंने बता ही दिया हम डॉर्मेट्री है अब तो हमारे पास अलग अलग।